टॉपिक है स्टील यूनिट वेट कैलकुलेशन। जनरली साइट में क्या होता है, ड्राइंग में जो देता है मीटर्स में देता है, अपने जो स्टील को मीटर्स में से केजी को कैसा कन्वर्ट करना है, वही आज का टॉपिक है फ्रेंड्स। अभी स्टील यूनिट वेट कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीका से कैलकुलेशन कर सकता है। फर्स्ट ये फॉर्मूला से डेंसिटी लेकर कर सकता है, सेकंड वन डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर कर सकता है। अभी मैंने दोनों फॉर्मूला के बारे में एक्सप्लेन करेगा। फर्स्ट हम जो फॉर्मूला एरिया फॉर्मूला एरिया डेंसिटी लेकर कैसा कैलकुलेशन करना है अभी मैंने बताएगा। मेरे को 8 mm स्टील का यूनिट वेट चाहिए। एक मीटर लेंथ का स्टील ले रहा हूं, अभी यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल टू वैल्यू इंटू डेंसिटी। वैल्यू इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टील का एरिया कैसा निकालना है। एरिया अपना जो स्टील जो रहता है सर्किल शेप में रहता है, सर्किल शेप का जो फॉर्मूला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, देखो पाई इक्वल टू 22/7। ये जो है पाई वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7, ये जो 22/7 इक्वल टू 3.142। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया निकालेंगे 3.142 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। हम लोग जो लिया है 8 mm स्टील, 8 mm लेना, 8 mm स्टील में 0.008 इंटू 0.008 5.02 10^-5 क्यूबिक मीटर्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा एरिया आ गया। अभी हमारे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अभी एरिया आ गया 5.02 10^-5 क्यूबिक मीटर, लेंथ 1 meter, 1 meter। अभी हमारा क्या चाहिए, वेट चाहिए, वेट इक्वल टू वैल्यू इंटू डेंसिटी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अपना स्टील वेट चाहिए बोले तो एरिया हमारे को आ गया, नेक्स्ट लेंथ ले लिया 1 meter का। अभी स्टील का डेंसिटी जो है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, स्टील डेंसिटी 78 केजी पर क्यूबिक मीटर। अभी ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया तो क्यूबिक मीटर कैंसिल होता है, इक्वल टू
0.394 kg per मीटर। ये है अपना 8 mm स्टील का यूनिट वेट। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसा कैलकुलेशन करना है अभी देखेंगे। 8 mm डाया के लिए डी स्क्वायर बाई 162 इक्वल टू 8 स्क्वायर बाई 162 0.394 केजी पर मीटर। ये है 8 mm डायर स्टील के लिए। नेक्स्ट 10 mm के लिए डी स्क्वायर बाई 162 इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 162 0.600 केजी पर मीटर। ये है 10 mm के लिए। 10 mm के लिए 0.6 केजी पर मीटर आता है। अभी 12 mm के लिए देखेंगे डी स्क्वायर बाई 162 इक्वल टू 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 kg per meter। ये है 12 mm के लिए इतना आता है फ्रेंड्स। अभी 16 mm के लिए कितना आता है अभी देखेंगे। डी स्क्वायर बाई 162 1.58 केजी पर मीटर। यह है 16 mm के लिए। अभी 20 mm के लिए कितना आता है देखेंगे। डी स्क्वायर बाई 162 20 2.3। अभी हम 25 mm डाया के लिए कितना आता है देखेंगे। अभी हम 32 डाय के लिए कितना आता है वो भी देखेंगे। ये है फ्रेंड्स, अभी हम लोग 1 मीटर डाय के लिए कैसा कैलकुलेशन करना है सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गए करके आशा करता हूँ। थैंक यू।